सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है गाइस, देखिए आपको दिखा रहे हैं। कैसा है यहाँ का कल्चर, पहले से ही यहाँ हाथी का पूजा करने वाला और हाथी को भगवान का रूप लेने वाला ऐसा यहाँ का चलन है गाइस। हुआ था वो माओइस्ट वाला टाइम पे, माओवादी वाला टाइम पे जी। अच्छा तो गाइस ऐसा है, यहाँ देखिए यहीं पे फोटो है, बड़े भैया का फोटो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी है बड़े भैया का फोटो और भाभी का फोटो, दोनों को शूट आउट किए थे यहाँ पे कलाकार केंद्र। अच्छा ऐसा है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो जो वेस्टर्न साइड ऑफ नेपाल का दूसरा दिन का ब्लॉग में आज फिर आपको लेके आया हूँ। तो आज है हम बर्दिया, नेपाल का जो बर्दिया जिला बोलते हैं, बर्दिया जिला पे आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ का कैसा है, क्या है होम स्टे, इसका जो एड्रेस है, सब एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइस, और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देने वाला हूँ। यहाँ का सब डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसा है, सब चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, कैसा इन्वायरमेंट है, और उधर जाएंगे गाइस। तो यहाँ का जो रात के लिए बैठने वाला जगह आपको दिखा रहा हूँ गाइस, देखिए फायर कैंप करने के लिए बहुत आसान वाला जगह, बढ़िया वाला जगह यहाँ देखने को मिलता है। तो यहीं पे साइड पे आप देख सकते हैं कैसा है यहाँ का कल्चर, पहले से ही यहाँ हाथी का पूजा करने वाला और हाथी को भगवान का रूप लेने वाला ऐसा यहाँ का चलन है गाइस। तो देखिए तो ऊपर पूरा एकदम जो आप बोलते हैं खर बोलते हैं यहाँ पे, और इसका पूरा एकदम फ्लोर और यहीं पे टाइल का पूरा फ्लोर लगा हुआ है गाइस, देखिए टिपिकल कल्चर हम दिखा रहे हैं। और इसका यहाँ का सब एड्रेस आपको देने वाला हूँ गाइस। तो यहाँ का टिपिकल चारपाई बोलते हैं यहाँ, तो ऐसे बेड बैठने के लिए ऐसे बेड बनाते हैं गाइस यहाँ पे, देखिए ये। और थोड़ा इधर वाला अंदर वाला नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। तो ग्राइंडर, मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर, ऐसा वाला ग्राइंडर आपको देखने को मिलता है यहाँ। और यहीं पे अंदर का जो किचन है, किचन भी आपको दिखाऊंगा, ये वाला पूरा किचन यहाँ का, ऐसा वाला पूरा यहाँ का घर का नज़ारा, पूरा टाइल इधर उधर देखने को मिलता है। और यहीं पे बाजू पे ही हैंड पंप जो कपड़ा धोने के लिए पानी वानी सब यही अपना व्यवस्था यहाँ देखने को मिलता है गाइस, ऐसा है। और जो बैठने के लिए जो रूम है, बैठने के लिए हाई क्लास रूम यहाँ देखने को मिलता है गाइस। ये अभी सुबह सुबह हम लोग उठे हुए थे, सो इट इज़ नॉट सो अरेंज्ड। और यहाँ कैसा कटेज बना हुआ है देखिए, ये यहाँ का खासियत है गाइस। तो ऐसे यहाँ का पूरा टिपिकल इन्वायरमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ का जो अंदर का जो स्टोर हाउस आप देख सकते हैं यहाँ कैसा है, और यहीं पे जो लोकल अल्कोहल बनाने के लिए अपना ही फार्मूला देखने को मिलता है गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहीं का घर में बनाने वाला जो लोकल फार्मूला आपको ऐसे करके हम दिखा रहे हैं गाइस। यहाँ देखिए तो यहाँ पे किचन, टिपिकल टाइप का किचन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, वो सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है गाइस, अंदर वाला सब नज़रा आपको दिखा रहा हूँ कैसा है क्या है। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है गाइस, देखिए आपको दिखा रहे हैं क्या इसको, इसका नाम क्या है बता दीजिए। तो ढिकरी कैसे बनाते हैं ये सब बता दीजिए। पहले ये पानी भाड़ा में बैठा के पानी उमाल के पानी माठी ढकिया धार के ढिकरी बनाई थी। अच्छा तो गाइस देखिए यहाँ पे टिपिकल जो ट्रेडिशनल वाला जो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टॉप, और इसके जो नीचे वाला सेक्शन पे यहाँ पे
वाटर रखते हैं और उसी के ऊपर ये वाला सेशन रखते हैं, और रखने के बाद ऐसे करके देखिए यहाँ पे पूरा पूरा एकदम सर्व हो रहा है गाइस। यहाँ पे ये यहाँ का सुबह का ब्रेकफास्ट है गाइस, देख सकते हैं। तो किचन भी आपको देखने को मिलता है, कैसा है क्या है यहाँ का ट्रेडिशनल वाला किचन। तो गाइस गेस्ट रूम का यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट भी आप देख सकते हैं, कैसा है कोड ऑफ कंडक्ट। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी यहाँ आते हैं उसमें बैठना पड़ता है गाइस। ये यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत फ्रेंडली वाला इन्वायरमेंट है गाइस। देखिए टिपिकल टाइप के जो रूम है, टिपिकल टाइप के रूम में यहाँ बैठने को मिलता है। एकदम देख सकते हैं पूरा कंफर्ट वाला बेड भी आपको यहाँ मिलता है। वो द थिंग्स व्हिच आर मेड फ्रॉम मड, नेचुरल हाउसेस यहाँ देखने को मिलता है गाइस। देखिए कैसा है, आपको सब दिखा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो होम स्टे का जो ओनर है, आपको दिखाया मैंने ओनर का पापा जी का फोटो। और यहाँ पे भाजू और दाई, जो ये घटना क्या हुआ है कि थोड़ा आप यहाँ हम यहाँ भैया से दिखाएंगे। भैया ये क्या हुआ था भैया, ये बताइए। हमारा पापा जी ने द्वंद्व काल में 55 हाँ। साल का गिरफ्तारी यहाँ के किसानों के लिए उन्मुक्ति के लिए कर रहे थे। अच्छा। और हमारा बड़े भैया और भाभी ने यही गरीबों के लिए करते करते चले गए सब हमको। अच्छा, छोड़ मतलब के राज्य की तरफ से शूट आउट हुआ था वो माओइस्ट वाला टाइम पे, माओवादी वाला टाइम पे जी। अच्छा, तो गाइस ऐसा है, यहाँ देखिए यहीं पे फोटो है, बड़े भैया का फोटो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भी है बड़े भैया का फोटो और भाभी का फोटो, दोनों को शूट आउट किए थे यहाँ पे कलाकार केंद्रीय कलाकार। अच्छा ऐसा है गाइस। तो गाइस पूरा गांव आप देख सकते हैं, पूरा गांव पूरा विलेज यही एरिया है गाइस। यहीं पे जितने भी बाहर से आते हैं, बाहर से आने वाला जितने भी गेस्ट है यहीं पे होम स्टे करते हैं। देखिए आपको दिखा रहे हैं गाइस पूरा एरिया यहाँ का, बर्दिया डल्ला बोलते हैं यहाँ का। तो गाइस देखिए जो जितने भी होम स्टे करने वाला घर है यहाँ पे, वो घर पे ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है गाइस, आपको दिखा रहे हैं पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तो फाइनली गाइस, हाँ, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, होम स्टे का ब्लॉग, पूरा एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूँ गाइस, तो कमेंट कर देना। और नंबर भी रख दिया हूँ, कैसे आते हैं क्या आते हैं सब एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है गाइस, तो देखते रहना। तो आज का ब्लॉग यहीं से गाइस, अब दूसरे ब्लॉग पे हम मिलेंगे गाइस, बाय बाय।